नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्जोपेट मीडिया हाउस चैनल में। होपफुली आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। वी ऑल आर फाइन। जैसा कि हमने पहली वीडियो में आपको बताया था, इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है अफ्रीकन ग्रेप पैरट, जिसके बारे में आपको विस्तार में चीज़ें इसमें बताई जाएगी। कुछ एक चुनिंदा पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर फ़िलहाल ये वीडियो बनाने का जो मकसद है उसमें आपको संक्षेप में जानने मिलेगा कि अफ्रीकन पैरट क्या है, कहाँ से है, क्या खाता है, क्या नहीं खाता है। ज़्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम इन सब चीज़ों के बारे में वीडियो बनाएंगे डीपली। फ़िलहाल जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों, उसका नाम है अफ्रीकन ग्रेप पैरट। अफ्रीका, जैसे कि नाम में आप देख ही रहे हैं, अफ्रीका से रिलेट करता है ये पैरट। और साइंटिफिक नेम है इसका सीटिकस एरिथिकस, जिससे शायद आपको कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बताने के लिए बता दिया। जनरली दो टाइप के अफ्रीकन ग्रे पैरट्स आते हैं। फर्स्ट जो आता है वो कैग और टैग के नाम से जाने जाते हैं। कैग जो है वो कॉन्गो अफ्रीकन ग्रे पैरट है, जो कि कॉन्गो में पाए जाते हैं। दूसरा जो टैग है वो टिमने अफ्रीकन ग्रे पैरट है, सेम एज कि वो टिमने नामक जगह पर पाए जाते हैं। दोस्तों ये जो पैरट है अफ्रीकन ग्रे, इनके शेप और साइज़ की बात करें तो इनका साइज़ जो रहता है वो 33 सेंटीमीटर रहता है एक अडल्ट पैरट का बड़े होने के बाद। और वेट इनका वेरी करता है 400 से 500 ग्राम के बीच में एक अडल्ट पैरट का। और लाइफ स्पैन जो इनकी रहती है वो 40 से 50 साल या 60 साल कैप्टिविटी में ऐसी रिकॉर्ड करी गई है। हाँ, जहाँ तक कि वाइल्ड की बात है, ये ज़्यादा में ज़्यादा 20 से 25 साल निकाल सकते हैं। जो कि अभी अब आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, आपको तीन अफ्रीकन ग्रे पैरट दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर में दो पैरट जो आप देख रहे हैं जो कि केज के अंदर हैं, जो वॉल पे लटके हुए हैं, वो बेसिकली अब ब्रीडिंग पेयर है। जो कि अगर सरल भाषा में कहे जाए तो ये एक वाइल्ड पेयर है और ये टेम्ड नहीं है। ये इंसानों से डरते भी हैं और उनसे ज़्यादा इतने हैबिचुअल भी नहीं है। और दूसरा जो पैरट आपको दिख रहा है ऊपर बैठा हुआ, ही इज़ अ टेम पैरट एंड पर्सनली इट्स माई पेट, हिज नेम इज़ टोडो। सो अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो अफ्रीकन ग्रे पैरट खाता क्या है? अफ्रीकन ग्रे पैरट को मल्टीपल चीज़ें, यहाँ तक कि किसी भी पैरट को मल्टीपल चीज़ें खिलाने की ज़रूरत हमको पड़ती है, क्योंकि वाइल्ड में जितना ये लोग चीज़ें खाते हैं उस चीज़ को घर पे कॉपी कर पाना या फिर अपने फार्म पे या फिर किसी और जगह कॉपी करवाना वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आगे जाके वैसे तो हम विस्तार में बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, अगर अफ्रीकन ग्रे को अगर कुछ खिलाना पिलाना आप चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, तो एक समअप होलसम डाइट बनानी पड़ेगी, जिसके अंदर कंटेंट्स होगा। सुबह के दौरान जनरली जो हम देते हैं वो एक सॉफ्ट फूड होता है। सॉफ्ट फूड में मिक्सचर होता है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, और कई बार हम लोग उसमें एग भी मिक्स करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं, कैसे करते हैं, रेसिपी क्या है, कैसे बनाना है, वो सब हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। शाम का जो हमारा रहता है उसके अंदर हम जनरली इनको सीड्स की डाइट देते हैं। सीड्स हो गया, नट्स हो गया, एंड यस इनको इंसेक्ट्स भी हम दे सकते हैं। इंसेक्ट्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे, क्या है क्या नहीं है, क्या ज़रूरत है। और सबसे मेन बात, पाम नट्स। पाम नट्स देना अफ्रीकन ग्रेज को, यहाँ तक कि अफ्रीकन ग्रेज नहीं, जितने भी बड़े बर्ड्स हैं, मैं सजेस्ट करूँगा उन सबको देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पाम नट्स के अंदर जो पाम ऑयल होता है वो इनके लिए काफ़ी अच्छा रहता है, जिससे इनकी फेदर कंडीशन काफ़ी अच्छी रहती है। इनकी बीक, जिसको बोलते हैं सरल भाषा में चोंच, अगर देखी जाए तो चोंच के ऊपर शाइनिंग रहेगी और वो खाने से, और वो उनको अच्छा भी बहुत लगता है, उनका फेवरेट फ्रूट भी है वो। तो आगे चलते हुए जब हम बात करते हैं इनकी ब्रीडिंग की, ब्रीडिंग का जो समय होता है, जो क्लच, जो जब से ये क्लच स्टार्ट करते हैं, मैं आपको सिर्फ इंडिया की बात करूंगा, क्योंकि मैं बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कैप्टिविटी के ऊपर आ चुका हूं अब, मैं वाइल्ड की बात नहीं कर रहा हूं। कैप्टिविटी की अगर बात करें, अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक रिकॉर्ड करा गया है इनका समय, जिसके दरमियान ब्रीडिंग लेने वालों से हमें जानकारी मिली है, और जहाँ तक कि हमारे भी ब्रीडिंग फार्म है हमें भी पता है, तीन या दो बार क्लच हो जाता है इजीली, और इससे ज़्यादा हम कहते भी नहीं है कि लेना चाहिए, क्योंकि आपके आपको अपनी फीमेल और पैरट्स का ध्यान भी रखना है, उनकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ध्यान रखना है। क्लच साइज़ अगर देखा जाए तो इनका जनरली 3 से 5 एग्स का होता है, जिसके अंदर आप समझ लीजिए कि 3 से 5 एग का जो क्लच साइज़ है इनका, वो जनरली इतना होता ही है। हाँ, सक्सेस रेट हो सकता है कि 3 बच्चे 2 बच्चे या 4 बच्चे, बहुत ही अच्छा अगर आप हेल्थ एंड केयर सारी चीज़ें मेंटेन कर रहे हैं तो 5 भी हो सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। इंक्यूबेशन टाइम की अगर बात करें तो 28 से 30 दिन का समय लगता है इंक्यूबेशन होने में, अंडे को इंक्यूबेट हो जाने में, पहला बच्चा निकलने में इतना समय निकल जाता है। और आगे चलते हुए देखिए, मैं भी जानता हूँ कि ब्रीडिंग के बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना होगा कि ये बर्ड क्या है।
इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे भी बहुत और बातें करेंगे, और इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको और भी चीज़ें जानने मिलेगी, प्राइसिंग के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में मिलेगा। तो आगे बढ़ते हुए अगली चीज़ हम देखते हैं कि अफ्रीकन ग्रे पैरट एज अ पेट घर में रखने के लिए किस प्रकार है और क्यों लोग रखते हैं, या फिर क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। पहली चीज़ मान लीजिए कि अफ्रीकन ग्रे पैरट जो है, जैसा कि आपने बहुत वीडियोस में देखा भी होगा और आपको भी पता होगा कि ये जाने जाते हैं अपनी इंटेलिजेंस के लिए, काफ़ी इंटेलिजेंट बर्ड होता है ये। यहाँ तक कि ये भी माना गया है कि एक ह्यूमन चाइल्ड के 3 से 4 साल या 5 साल के बच्चे जितना दिमाग इस बर्ड में पाया जाता है, इतनी एबिलिटी इसमें होती है। और जनरली इसको लोग पसंद भी इसीलिए करते हैं क्योंकि इसकी एबिलिटी जो है ह्यूमन स्पीच को मिमिक करने की, वो काफ़ी अच्छी है। अपना अलार्म लेना, आपकी चीज़ें बात करना, डोर बेल्स को कॉपी करना, वो सारी चीज़ें इनके अंदर इजीली हैं, ये कर लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिखने में काफ़ी सुंदर है, लव एंड अट्रैक्शन तो आपको आ ही जाएगा इसके ऊपर। एबिलिटी इनकी, अगर इनकी एबिलिटी की बात करें तो ऐसा पाया गया है, रिकॉर्ड में है कि ओवर 100 वर्ड्स ये आराम से ले सकते हैं, याद कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ऐसा भी है कि ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कलर्स के बीच में, कि कलर्स कौन सा क्या है, क्या चीज़ है, कलर्स के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ये लोग। ऑब्जेक्ट्स शेप एंड साइज़ के ऊपर भी इनकी जानकारी काफ़ी अच्छी है। अब ये पॉइंट्स जो हमने आपको बताए हैं, ये आप अब तक मेरे हिसाब से आप लोग जान चुके होंगे कि ये बर्ड क्या है, कहाँ कहाँ का है, क्या है क्या नहीं है, एक रेगुलर जनरल नॉलेज आपको इसके बारे में मिल चुकी है। अब आगे बात करेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो की, तो अगली वीडियो में हम लोग आपको एक एक पॉइंट के बारे में डीपली समझाएंगे जिसके बारे में हम वीडियोस बनाएंगे, जैसे ब्रीडिंग हो गया है, कीपिंग एज अ पेट हो गया है, इनके बारे में ईच एंड एवरी थिंग्स, ये कितने का बर्ड आता है, कहाँ से आपको लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि नया बर्ड खरीदते हुए या अडॉप्ट करते हुए क्या सारी चीज़ों को आपको माइंड में रखना चाहिए, और इसकी कैप्टिविटी, ईच एंड एवरी थिंग के बारे में हम वीडियोज़ बनाएंगे। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसी वीडियोस और भी आती रहेंगी। आपकी नॉलेज बढ़ाना या फिर आपसे नॉलेज गेन करना हमारे लिए बहुत ही एक संजोग का काम होगा। धन्यवाद।